गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स इन ईवीएस. इट इज चैप्टर 6 स्टूडेंट्स. इट इज अबाउट वाटर. एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद कीमती है. वाटर इज अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. वाटर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है. हर जिंदगी का बेसिस वाटर है. ये नेचर से हमें मिला हुआ एक मार्वेलस गिफ्ट है. 70% हमारी ह्यूमन बॉडी वाटर की बनी है. सारे प्लांट्स, सब एनिमल्स के अंदर वाटर है. देयर बॉडीज कंटेन वाटर. ओके, अब अबाउट वाटर. 97% जो वाटर अर्थ पे बेटा अवेलेबल है वो सॉल्टी वाटर है, जो ओशंस में है, खारा पानी है. ठीक है, वो आप ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. सिर्फ 3% है जो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 2/3 वाटर जमा हुआ है ग्लेशियर्स में और पोलर आइस कैप्स में. ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी कम है. द रिमेनिंग अनफ्रोजन फ्रेश वाटर इज फाउंड मेनली एज ग्राउंड वाटर. इसमें से भी जो फ्रोजन नहीं है और जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जो अनफ्रोजन है, वो मेनली हमें ग्राउंड वाटर की तरह अवेलेबल है, जिसमें से ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड और इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ 71% इज कवर्ड बाय सीज एंड ओशंस, एंड रिमेनिंग जो 29% है इट इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड. तो आप ये अर्थ का भी देख सकते हैं कि ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ 71% सीज से कवर्ड है वो एरिया अर्थ का, और 29% लैंड से है. ठीक है, फ्रेश वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल मतलब क्या है, मतलब है इसका रिन्यूएबल का मतलब ये है बेटा, वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे वाटर हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो रिन्यूएबल दैट कैन बी रिन्यूड, दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. आपको अपनी नोटबुक में बेटा ये डायग्राम भी बनाना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो फ्रेश वाटर 3% है, बाकी सारा सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है जो ओशंस में अवेलेबल है. ठीक है, अब इस 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में 68.7% है फ्रेश वाटर, और बाकी ग्राउंड वाटर की तरह हमें अवेलेबल है. और इसमें बचा हुआ 0.9% जो सरफेस वाटर है उसमें स्वैम्प्स 11%, रिवर्स 2%, लेक्स 87%. ये हमारा फ्रेश सरफेस वाटर है, लिक्विड है. इसको करवाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है बेटा, ताकि आपको ये पता चले कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, आप ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे.